26 सितंबर यानी आज 9वें रोजगार मेले के तहत 51,000 कैंडिडेट्स को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नियुक्त पत्र दिए गए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज जिन अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा के नियुक्त पत्र मिले हैं उन सभी को बधाई। आप सभी ने कड़े परिश्रम के बाद ये सफलता हासिल की है। आपका चयन लाखों अभ्यर्थियों के बीच से किया गया है। आने वाले दिनों में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका ज्यादा होने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार ने मिशन मोड स्कीम को लागू किया, जिसके चलते आज देश में इतना कुछ हो रहा है। पिछले 30 सालों से अटका पड़ा आरक्षण बिल भी पास हो गया। भारत की जीडीपी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है और इसी महीने देश में G20 समिट का सफल आयोजक भी हुआ। बता दें, ये रोजगार मेला देश के 46 जगहों पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिस्सा लिया। जी हां, पीएम मोदी ने दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और यहां से वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए युवाओं से जुड़े। बता दें, पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी को लेकर भी कुछ बातें कही। उन्होंने कहा, जब आप जैसे लाखों युवा सरकारी सेवाओं में शामिल होते हैं तो उन नीतियों को लागू करने की गति और पैमाना भी बढ़ जाता है। पिछले सालों में आपने देखा कि कैसे तकनीकी परिवर्तन शासन को आसान बना सकता है। पहले लोग रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटर पर कतारों में खड़े रहते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी ने इस समस्या पर काबू पा लिया है। आधार कार्ड, डिजिटल लॉकर और EKYC ने दस्तावेजीकरण की जटिलता को समाप्त कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्यावरण पोस्ट।